राइट टू टेक्स्ट। बच्चों चलिए फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इस असाइनमेंट में से। हाँ जी कौन आएगा बेटा बताइए। चलो मैं बुला लेता हूँ बच्चों को। अनमोल फ्रॉम 6A, अनमोल फ्रॉम 6A आ जाओ बेटा। असाइनमेंट लेके आना, जो भी बच्चा आएगा प्लीज कम विद योर असाइनमेंट। अनमोल आगे बेटा, हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक ठीक कीजिए, ऑन कीजिए माइक पहले। हाँ बेटा, जी बेटा, असाइनमेंट है आपके पास? असाइनमेंट इज देयर और नॉट? राइट बेटा। तो नाउ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग। राइट बेटा, फर्स्ट पेज पे जो मैच द फॉलोइंग है ना। हाँ जी मुझे बताते जाना था। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 2 क्या होता है बेटा? एडिटिव इनवर्स नहीं नहीं एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? अच्छा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? -5। -13 का? 13। 13। तो क्या मीनिंग क्या हुआ बेटा एडिटिव इनवर्स का? अच्छा एडिटिव इनवर्स इज दैट नंबर जिसको जब किसी इंटीजर में ऐड करें तो आंसर 0 आए। इज इट क्लियर? यस और नो? तो एक नंबर का अपोजिट जब उसमें ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। Whenever you have to find the editing inverse of any number, right? Suppose if it is a negative integer, then make it positive one. If it is positive one, then make it negative one, right? So second part is the greatest negative integer is -1. Very good. The smallest integer greater than every negative integer, 0. Very good. Sum of predecessor and successor of 1, हाँ जी 2। कैसे होगा 2 बेटा बताएंगे आप? व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ 2 सॉरी 1 2 व्हाट इज द प्रीडिसेसर? 1। 1 का प्रीडिसेसर 1 ही होता है बेटा 0। तो व्हेन यू ऐड 0 प्लस 2 तो आंसर विल बी, इज क्लियर? प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट आ जाए मनन धीमान फ्रॉम 6B। मनन फ्रॉम 6B सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मनन इज इन 6th D। 6D। अच्छा तो मनन 6D में बेटा, आ जाइए मनन 6D में आ जाइए। आगे यस बेटा। अच्छा वेरी गुड। असाइनमेंट लेके आए हो? यस राइट। चलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन मॉड्यूल 1 का सेकंड क्वेश्चन बेटा। अमूल्या एंड अमर विजिटेड 2 प्लेसेस। बेटा असाइनमेंट में देखो, थोड़ा पीछे होके खड़े हो जरा ताकि मुझे नजर आए पूरा। हाँ जी क्वेश्चन पता चला आपको बेटा? माइक कहाँ है आपका? सर अच्छा क्वेश्चन बताइए कौन सा बोला मैंने बेटा? यूजिंग द नंबर लाइन पुट नहीं इन बेटा द नहीं, नो नो नो। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू मॉड्यूल 1। सबसे पहला जो पेज है ना, सबसे पहले पेज में देखिए सेकंड नंबर है एमसीक्यू में। आप क्वेश्चन रीड करो जरा। बोलिए बेटा क्वेश्चन रीड कीजिए। सर अमूल्या एंड अमर विजिटेड टू प्लेसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली
इज इन रिस्पेक्टिवली कश्मीर। का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर सर में नंबर आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं। एंड रिस्पेक्टिवली इन कश्मीर, रिकॉर्डेड द मिनिमम टेम्परेचर्स एंड पर्टिकुलर डे एज 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 डिग्री सेल्सियस एट बी एक मिनट रुकिए, क्या क्या टेम्परेचर गिवन है बेटा? सर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री नहीं है बेटा, ये -4 डिग्री एंड -1 डिग्री है, ठीक यस। है बेटा? आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ जी बताइए जरा, ए का टेम्परेचर -4 डिग्री है एंड बी इज -1 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी सर -4 डिग्री सेल्सियस। क्या -4 डिग्री सेल्सियस? तो बेटा ए का टेम्परेचर है ना, बी का टेम्परेचर -1 है। अब आपको बताना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। फर्स्ट चॉइस क्या है बेटा? बी सर ए पार्ट ये पार्ट कैसे बेटा? कूलर सर ए इज कूलर देन बी है ये ए सर यस -4, अगर जब टेम्परेचर कम होता है तो कूल होता है या हॉट होता है? हॉट हॉट सर नो सर कूल होता है सर होता है। तो ए में क्या लिखा बेटा? ए इज कूलर देन बी, तो आपका ये यस वाला करेक्ट है। यू आर सेइंग ए करेक्ट है बेटा सर यस और बी? सर देन बी बी बेटा करेक्ट है इनकरेक्ट सर करेक्ट है बट सर ए पर है? ए करेक्ट है। अच्छा सी और डी नहीं करेक्ट सर नो है? ओके बाय। सर क्योंकि वहां पर आई है सर बी टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? सर सर 2 का टू का डिफरेंस है। वन यस और फोर के बीच में कितना डिफरेंस होता है बेटा? थ्री सर 3 का का। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी ऑप्शन, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, ठीक है? सिमिलरली डी भी रॉन्ग है। प्लीज सिट डाउन, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए। प्रशांत, प्रशांत बी सेक्शन से है, आ जाइए बच्चे। हाँ जी, यस असर्शन रीजंस क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, फर्स्ट पेज पे जो है असाइनमेंट के। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, -5 इज द सक्सेसर ऑफ -6, सबसे बॉटम वाला क्वेश्चन है ना जो बच्चे। हाँ यस जी, वो बताइए जरा, क्या सर क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा? क्वेश्चन मिला आपको? सर 5 इज दी सक्सेसर ऑफ 6 माइनस एक मिनट बेटा, माइनस, आप लोग माइनस को क्यों भूल जाते हो? सारे लोग माइनस लिखा हुआ है ना साथ में बेटा, सर यस बोलिए। सर -5 इन इस दी सक्सेसर ऑफ -6 हाँ जी, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू सर ट्रू है। वाई सक्सेसर क्या होता है बेटा? सर सर यस सक्सेसर क्या होता है? प्लस सर +1 वन, वेरी गुड। हाँ जी, अब आ जाइए रीजन पे। टू गेट प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर वी हैव टू मूव वन स्टॉप टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। सर फॉल्स फॉल्स है ये? ट्रू है। प्रीडिसेसर बेटा देखो, प्रीडिसेसर होता क्या है बेटा? यस प्रीडिसेसर सर -1 -1, ठीक है? और सर यस मेरे पास एक इंटीजर, देखो जरा इधर स्क्रीन पे देखिए, दिस इज द इंटीजर आई हैव टू फाइंड इट्स प्रीडिसेसर। सो व्हाट आई हैव टू डू?
आई हैव टू गो वन स्टेप बैक, यस और नो? कौन यस सी साइड आ रहे हैं हम? लेफ्ट सो लेफ्ट साइड साइड। तो अब स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ बच्चे? टू गेट प्री प्री डिसेप्शन ऑफ ए नंबर वी हैव टू मूव वन स्टॉप की जगह ना स्टेप होना चाहिए, वन स्टेप टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो ये ट्रू नहीं है बेटा? सर यस ट्रू सर ट्रू है ना, तो बोथ आर ट्रू। यस बोथ तो कौन सी एक्सप्लेनेशन होगी, कौन सी चॉइस होगी बेटा? ए बी सी डी। हाँ जी, क्या सर चॉइस बोथ होती है? ए चॉइस क्या होती है बेटा? बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर। ए तो ए तो नहीं है बेटा ये, यस क्योंकि रीजन जो असर्शन है उसके अंदर यस हमने सक्सेसर की बात की है, बट यस एक्सप्लेनेशन प्रीडिसेसर का आया है। तो हेंस योर बी चॉइस विल बी देयर, दैट असर्शन एंड रीजन बोथ यस आर ट्रू बट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इज इट यस क्लियर? यस प्लीज सिट डाउन बेटा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए जरा। हाँ जी, युवराज सिंह, सेक्शन सी। युवराज है, युवराज बेटा सेक्शन सी से। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। असाइनमेंट लेके आना बेटा, अपनी सर यस असाइनमेंट लेके आओ, सर शेयर कर लो किसी से बेटा। यस हाँ जी, पेज नंबर 2 पे आ जाइए, मॉड्यूल 2। हाँ जी, मॉड्यूल 2 2, पीछे जाइए पीछे। हाँ, यहाँ पे मॉड्यूल 2 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू रीड कीजिए क्वेश्चन जरा। Which sign will come in the box to make the expression true? हाँ जी, करिए सॉल्व बेटा इसको। वर्बली कर दोगे या पेन पेंसिल की जरूरत है? पेन Yes? No? पेंसिल चाहिए तो बेटा ले लो, आप किसी से अपना ले लो। एक्सक्यूज जस्ट अ मोमेंट बेटा। एक्सक्यूज मी मैडम इन सेक्शन एफ, एक्सक्यूज मी टीचर इन सेक्शन एफ। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम, डू डज द स्टूडेंट हैव सम डाउट्स? मॉर्निंग सर नो नो ओके मैम, थैंक सर नो डाउट यू। हाँ जी बेटा, एक्सप्लेन कीजिए। सारे बच्चे भी कीजिए, बाकी लोग भी प्लीज अपनी नोटबुक में कीजिए दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम मॉड्यूल 2 एमसीक्यू। -6 प्लस -5 -2 डैश -6 प्लस -5 -2। आई एम राइटिंग क्वेश्चन हियर। -6 प्लस -5, हाँ जी बच्चों, युवराज सिंह हो गया क्वेश्चन बेटा? वेयर इज युवराज? सर यस
हो गया बेटा क्वेश्चन, चलिए कर रहा हूँ अभी। हाँ फटाफट कीजिए अच्छे। ऑल अदर आल्सो प्लीज डू, मैं किसी को भी बुला के पूछ सकता हूँ बेटा क्वेश्चन। भी साइड नॉट इज फाइन। सर हाँ जी बच्चे, इक्वल इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे। हाँ टू यस। जी बताइए कैसे कैसे आया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, बताइए क्या आंसर आया यहाँ पे। -6 प्लस -5 कितना हुआ? सर 11 11 हुआ। -11 -11 कैसे हुआ बेटा? तो बिकॉज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वेरी गुड। उसके बाद सर देन -2 हाँ जी कितना बन गया बेटा? सर -9 9 -9 कैसे बना बेटा? ये सर। यहाँ पे भी तो सेम साइन है बेटा, देखो दोनों के साइन सेम है। यस और नो? -11 -2 वोट इट बी -13 इसके प्लेस में? -13 आएगा ना बेटा? यस ठीक है अच्छा चलो बैठ जाइए बेटा, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी बच्चे, हर गोपाल इज, हर गोपाल फ्रॉम सेक्शन सी इज देयर। आ जाओ बेटा। हाँ जी बच्चे, हो गया आपका? यस हाँ जी बताइए जरा क्या हुआ राइट साइड वाला, राइट क्या साइड वाला पार्ट बताया, सॉल्व कीजिए जरा। सर ये भी ऐसे ही होगा कैसे होगा सही हो वैसे हुआ दुआ सर बेटा? बच्चे आपको आता है या नहीं आता है? डोंट लाफ, आप टेल मी व्हाट यू हैव डन। सर कर रहे हैं अभी अभी तक क्या किया आपने बच्चे? हाँ जी सेक्शन बी से, सेक्शन बी, प्रभदीप सिंह, प्रभदीप सिंह फ्रॉम सेक्शन बी प्लीज कम। हाँ जी बेटा, हो गया आपका? सर -30 आया है सर। -13 आया, कैसे आया बताया बेटा, एक्सप्लेन करिए जरा। हाँ सर पहले -6 लिखा जी प्लस सर प्लस माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस कितना? सर -11 -11। अच्छा क्या लिखा आपने? -6 प्लस -11। सर नो हाँ सर -5 -5 लिख देते हैं बेटा, आप जैसे बोलो। लो जी -5 लिख दिया। अब क्या सर माइनस कर, आपको आता है या नहीं आता बेटा ये बताइए। हाँ आता है सर आता जी है तो सर आता है सर गलत क्यों कर रहे हो आप? इसका आंसर -11 आएगा क्या मुझे आंसर नहीं चाहिए बेटा? आंसर तो मैंने पूछा ही नहीं है, मेरे को आपको सॉल्व करना सिखाना है। आता है आपको सॉल्व करना बेटा? करो सर। यस ना ठीक करके इसको। कर सर 11 आ गया -11 सिट डाउन। हाँ जी सेक्शन एफ कौन आएगा बेटा? सेक्शन एफ में बी बी, सेक्शन एफ से बी आएगा। सेक्शन एफ से बच्चे आ जाइए मानवी। हाँ जी सेक्शन, अच्छा बी से भी आया है ना प्रभदीप? सेक्शन बी से कौन आया बेटा? प्रभदीप। हाँ प्रदीप जी बताइए बेटा क्या किया आपने इसके बाद? कैसे मानवी जस्ट मोमेंट होल्ड ऑन। हाँ जी बेटा प्रभदीप आप बताइए बेटा।
कुछ किया आपने? नहीं किया बच्चे? सर क्या किया बेटा? सर 6 में सर प्लस किया 5, -5 और -2 को। -2 और -5, क्या इनको सॉल्व करेंगे पहले? इनका आंसर क्या आ रहा है बेटा? -5 और -2 का? सर 7 सेवन। प्लस का माइनस का बेटा? सर -7 -7। उसके बाद क्या करेंगे? सिक्स प्लस करेंगे। 6 प्लस कर दिया। 6 किसमें प्लस करेंगे बेटा? -7 में -6 तो हमारे पास है ही नहीं है बेटा। 6 है हमारे पास? हमारे पास तो -6 है। -6 ऐड करेंगे बेटा या +6 ऐड करेंगे? -6 -6 किसमें ऐड करेंगे? -7 में हाँ जी, दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा बेटा? 13 13। प्लस का माइनस का? -13 -13। अब माइनस से कोई नाराजगी है बेटा आपकी? माइनस क्यों नहीं बोलते हो साथ में? हाँ जी, अच्छा माइनस क्यों आएगा बाबू, ये बताइए जरा। सर -6 और 7 का सर साइन माइनस है। वेरी गुड। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, सब बच्चों को क्लियर हुआ बेटा? ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साइन सेम है। एक -6 है, दूसरा -5 है। तो जब भी सेम इंटीजर्स सेम साइन आते हैं तो वी ऐड बोथ ऑफ देम। तो हमने दोनों को ऐड किया, -6 प्लस -5, तो कितना बन गया बच्चे? -11, और साथ में क्या है? -2। तो -11 और -2 ये कितना हो गया? -13 ये आ गया बच्चे। ये रॉन्ग था, राइट? तो ये हमारी लेफ्ट साइड बन गई। अब आ जाओ राइट साइड पे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। -5 -2 दोनों को ऐड करके कितना बन गया बच्चों? -7। तो -6 प्लस -7 इट बिकम्स -13। तो दोनों तरफ -13 आ गया, तो विच मीन साइन क्या आएगा बीच में? इक्वल साइन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यस चलिए मान भी आ जाइए, अब आ गया। यस, मानवी फ्रॉम सेक्शन 6 है, प्लीज कम बेटा। हाँ जी, मॉड्यूल 2 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर? हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा? ऑन कीजिए माइक। क्वेश्चन यस सर, का मीनिंग क्या है 7th वाले का बेटा? आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? हाँ जी, यस और नो, यस सॉल्व करके बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है, क्या मीनिंग है इसका और क्या ऑप्शन होगी। सर, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। राइट, बताइए जरा। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, देर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन सेक्शन एफ। टीचर प्लीज लुक इन टू दिस। नो नो, शी इज डूइंग, यू नॉट सपोज टू डिस्टर्ब हर। चेक विद द अदर स्टूडेंट व्हाई दे आर मेकिंग नॉइस। हाँ जी बच्चे, आपने कर लिया?
बेटा एक एक करके स्टेप्स बताइए मुझे जरा। फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट में क्या लिखा बेटा? 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इज द स्क्वायर। मानवी कैन यू हियर मी? सर आपको देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है कि जितनी भी ऑप्शन गिवन है इन सब में से किसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज है? नाउ टेल मी हाउ मच राइज इज देयर इन द फर्स्ट चॉइस? 10 डिग्री। सर सेकंड टेन वाले में कितनी है बेटा? व्हाट इज सेकंड? -4 टू 8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इन सेकंड वन बताइए जरा। सॉल्व करना है नोटबुक पे कर लीजिए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपके बच्चे। सर 12 डिग्री सेल्सियस। ट्वेल्व कैसे हुआ बेटा ये? सर -4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। हाँ बच्चे कैसे आया 12? वो तो मुझे समझ आ गया कि ऑप्शन लिखी हुई है, आप आंसर बोल रहे हैं 12 जो करेक्ट है। चलो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बट ये 12 आया कैसे? 8 सर 8 प्लस 4 प्लस क्यों किया, माइनस है वहां पे तो। हाँ सर 2 है सर। 2 का मतलब प्लस होता है सर। प्लस बेटा 2 का मतलब प्लस नहीं होता है, इसको कहते हैं कि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। 8 माइनस माइनस 4 तो जो बन जाएगा बेटा सर माइनस माइनस प्लस सर पास हो 12। जाएंगे और वो 12 बन गया। थर्ड ऑप्शन बेटा -15 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी बेटा यहाँ पे कितना डिफरेंस है? सर -15 और -8 डिग्री सेल्सियस। सर माइनस माइनस प्लस सर ट्वेंटी बिल्कुल सर 23 आंसर। 23 आएगा। अच्छा ये तो आपने गलत कर दिया बेटा। देखो आपको किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज ग्रेटर और दिस इज ग्रेटर? माइनस माइनस सर -15 -15 ग्रेटर है ना? सर इधर ऐसा है -8 -8 है बेटा, आपने ये गलती की है। आपने -8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -15 को बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये कितना आ गया? तो सेवन सेवन। तो यहाँ पे चेंज कितना आया? 7 डिग्री सेल्सियस। अब डी ऑप्शन क्या है बेटा? व्हाट इज द डी ऑप्शन? -7 डिग्री सेल्सियस टू टू 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो यहाँ पे कितना राइज हुआ टेम्परेचर? सर -7 -7 डिग्री राइज हुआ। सर नो हाँ जी बताइए बेटा। वाले हाँ जी बोलिए बेटा। सर 7 7 डिग्री, 0 में से माइनस करना है आपको। -7 डिग्री, 0 माइनस माइनस 7, तो यहाँ पे कितना राइज हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कौन सा आएगा आपका बेटा? नहीं 7 डिग्री सेल्सियस नहीं आंसर कौन सा आएगा ए बी सी डी में से? सर ये ऑप्शन ये ऑप्शन, ए ऑप्शन में 10 डिग्री सेल्सियस है।
बी में कितना चेंज आ रहा है बेटा? बी में देखिए कितना चेंज है, ट्वेल्व डिग्री है। 10 ग्रेटर होता है, 12 ग्रेटर होता है, 10 है ना? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। और बच्चे 12 ग्रेटर होता है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्लीज सिट डाउन, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए बच्चे। नेक्स्ट आ जाइए दिलप्रीत, सेक्शन एफ से। दिलप्रीत फ्रॉम सेक्शन एफ, प्लीज कम। अपनी असाइनमेंट लेके आना बेटा। आ जाओ बच्चे, दिलप्रीत जल्दी से असाइनमेंट लेके आयो बेटा। हाँ जी, व्हाई दिस स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाई शी इज स्टैंडिंग? बेटा गिव हर सीट, राइट। बच्चे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 9 के नीचे। हाँ जी, ये वाला कीजिए बेटा क्वेश्चन। प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी दिलप्रीत, प्लीज डू दिस, बाकी लोग भी अपनी नोटबुक में करेंगे। यस, मैच द फॉलोइंग बेटा, नंबर लाइन बनी हुई है, चार नंबर लाइन है, चार ऑप्शन की, राइट। सर के सामने कुछ चॉइस है तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चॉइसेस करेक्ट होंगी, एंड प्लीज एक्सप्लेन आल्सो। हाँ जी बताइए बेटा। दिलप्रीत, इज इट क्लियर टू यू क्वेश्चन और नॉट? काका जी दसो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा सर रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9, यस इसके नीचे मैच द फॉलोइंग है, यस ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? दिलप्रीत टेल मी वेदर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट? नो नो, सिट डाउन। कौन बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा? ये ऑल सेक्शन, ऑल सेक्शन, ओनली वन स्टूडेंट, टू, थ्री, और कोई? दैट्स इट, फाइव। बस सेक्शन एफ से कोई नहीं बताएगा बेटा, सेक्शन एफ। अच्छा स्टूडेंट आई है सेक्शन एफ से। चलिए बच्चे एक्सप्लेन कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट्स योर फुल नेम? यस सर, आपका नाम क्या बेटा? सर अच्छा ठीक है, बताइए बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज इसी ऑप्शन एज इट इज एडिशन एंड इट शोज -9 + 6 माइनस, -3 + 6 अच्छा बच्चे आपको कैसे पता चला ये एडिशन है? सर। सर क्योंकि ये लेफ्ट से राइट को जा रही है और ये एडिशन का सिंबल होता है। वेरी गुड बच्चों, जब भी आपका एरो जो है, इफ दैट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मींस एडिशन। व्हेन द एरो इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन इट्स सब्ट्रैक्शन, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए -3 के ऊपर एक एरो बना हुआ है विच इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, और कहाँ जाके स्टॉप हो रहा है बेटा? वो
वेयर इट इज गेटिंग स्टॉक? यस सर मैडम, एट +3, यस और नो? सर यस -3 to +3, तो चॉइस कौन सी हो जाएगी बच्चे? ये -3 to +3, तो चॉइस कौन सी हो गई बच्चे? ये सी ऑप्शन। यहाँ -3 के अंदर हमने 6 पॉइंट्स ऐड किए। इज इट क्लियर एवरीवन? इट इज क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड अगर सबको समझ आया है। ऑल सेक्शंस बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए बच्चे, हर्ष प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, अब और कौन बच्चा आगे सेकंड पॉइंट बताएगा बेटा? बाकी जो बच्चों ने हैंड रेज किए थे क्वेश्चन में, सेक्शन डी से दो स्टूडेंट्स प्लीज जो फ्रंट बेंचर, वन ऑफ यू प्लीज कम। ऑन कीजिए माइक बेटा। हाँ जी, सर हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? यस सर नवरीत आपका नाम क्या है बच्चे? नवदीप। नवरीत ओके, रीत नव नव सर नवरीत। ओके हाँ जी बच्चे, सेकंड ऑप्शन में क्या है? व्हाट विल बी द सेकंड राइट ऑप्शन? ऑप्शन हाँ जी बोलिए। ए ऑप्शन, वाई ए ऑप्शन। सर, बिकॉज एरो इज टूवर्ड लेफ्ट साइड एंड इट मीन्स माइनस। बच्चे देखिए, जो एरो है सेकंड ऑप्शन में, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सर एंड इट इज यस हेडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है बच्चे। 5 से कितने सर यस पॉइंट मूव कर रहा है ये एरो? नाइन 9 पॉइंट, सर ठीक है, यस एंड इट लैंड्स एट -4, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग, हेंस द चॉइस ए इज देयर। प्लीज सिट डाउन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन ई से कौन बताएगा? आ जा बेटा, आ जा, एक ही बच्चा है, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ, थर्ड बेंच पे जो बच्चा बैठा है, आ जाओ। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थर्ड ऑप्शन बताइए बेटा। सर -4 + 4 -4 + 4, अगेन एरो। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, एक मिनट मिनट, मेरा क्वेश्चन तो सुन लो यार पहले। यहाँ पे दो एरो है बेटा, एक लेफ्ट को जा रहा है, एक राइट को जा रहा है ना? तो सर यस फिर आपको कैसे पता चला कि ये राइट में जा रहा है? सर बिकॉज 0 इज सर्कल जीरो इज सर्कल्ड, उससे कैसे पता चल गया बच्चे? सर हाँ जी बोलो। सर -4 से ना 4 स्टेप जा रहा है आगे और 0 सर्कल भी है। मैं अगर रिवर्स डायरेक्शन में ले लूं, 0 से 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता, यस और नो? सर यस तो बट आपको कैसे पता चला कि ये जो है -4 से 0 की तरफ आ रहा है? सर बिकॉज 0 इज सर्कल तो 0 सर्कल होने से आपको क्या पता चल रहा है, वो आंसर है या वो स्टार्टिंग पॉइंट है? हाँ जी, स्टार्टिंग अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर वो लेफ्ट में जा रहा है, सर एंडिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है। बेटा नहीं, रीजन ये नहीं है। रीजन क्या है देखिए, ये 0 है, आप कह रहे हो सर्कल है, बट ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये देखिए ये वाली, ये जो -4 पे गई, राइट, दिस शोज कि ये पॉइंट है आपके पास एक, और यहां से शुरू किया है ये, और यहां पर है ना, देख रहे हो बेटा? इज इट क्लियर? बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो 0 से 1 पॉइंट हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑप्शन में भी अगर आप देखें, ये 0 था, 0 से आपका पॉइंट कौन सा है? ये -3 है, एंड देन इट मूव्स फ्रॉम -3। इज दिस क्लियर? यस सर तो आपने देखना है कि किस पॉइंट्स में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? तो यू आर राइट बेटा, इट इज -4 + 4, डी ऑप्शन। प्लीज सिट डाउन। तो लास्ट वाली ऑप्शन कौन सी होगी बच्चों? चौथी ऑप्शन कौन सी रह गई बेटा हमारे पास? फोर फोर प्लस माइनस
4 माइनस 8, दैट इज बी ऑप्शन। यस अभी बच्चों को क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ बेटा ये? यस और नो? यस यस। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, प्लीज रेज योर हैंड। आई थिंक सेक्शन एफ में नहीं क्लियर हुआ। बेटा बताइए क्या डाउट है सेक्शन एफ वाले? जिस बच्चों को नहीं क्लियर हुआ, यू कैन आस्क योर डाउट्स। प्लीज आस्क द डाउट एंड डेवलप ए हैबिट टू आस्क द क्वेश्चन। चलिए, इफ यू डोंट वांट टू। हाँ जी, पूछना है बेटा कुछ? समबडी फ्रॉम सेक्शन ए। हाँ एक्सक्यूज जी बेटा, नाइन्थ मी क्वेश्चन। यस, व्हाई नॉट? यस बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन। देखिए, एक बच्चे का डाउट आया है इस क्वेश्चन में। किसी और को कोई डाउट है? नाइन क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सबट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर। लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा? व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? वेरी 9,999 गुड। तो ये होता है नाउ। अब यहाँ पे क्या पूछा गया बेटा? 4 डिजिट नंबर, इट इज 4 डिजिट, इट इज इवन। हेलो, तो अब इससे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 9,998 98, राइट? इवन भी हो गया बेटा यहाँ पे। अब नाउ इट इज पॉजिटिव आल्सो। यस, सही अब आपका ये नंबर तो आ गया, लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर, राइट? है नाउ कम्स टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट, 5 डिजिट और नेगेटिव इंटीजर। फाइव डिजिट और नेगेटिव इंटीजर। इसकी बात क्या है कि लार्जेस्ट पूछा गया है। जब भी आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है, व्हेनेवर यू हैव टू टेक नेगेटिव इंटीजर, अगर आपको पूछा गया है लार्जेस्ट, ऑलवेज टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, व्हाट विल बी योर आंसर? सर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस वन। माइनस -1001 वन हो गया बच्चे। नाउ 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। व्हेन एवर लार्जेस्ट नंबर इज आस्क इन नेगेटिव, यू हैव टू टेक स्मॉलर नंबर। व्हाट इज 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? 10,000। यस और नो? नाउ इफ यू पुट माइनस साइन, दिस विल बी द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। यस विल बी द लार्जेस्ट 5 डिजिट इंटीजर बच्चों और नॉट? यस बट इज इट एन ऑड इंटीजर? सर नो। अब इसको ऑड बनाने के लिए क्या करें? कर नो दें तो ये क्या बन गया? बाकी प्लस 1 10,001 करना क्या है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। तो दिस माइनस 99, इज इट क्लियर? प्लीज यस फाइंड द आंसर नाउ। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज यू कैन रेज योर डाउट्स।
बच्चों क्लियर है कि? स्टूडेंट इज इट क्लियर? चलिए, यस और कोई डाउट बेटा? तो एनीथिंग एल्स नॉट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे। इसका सर कौन सी ऑप्शन आई बेटा आंसर? डी ऑप्शन ये ऑप्शन आ गया। तो सर वेरी गुड बेटा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, केस स्टडी पे आते हैं हम। केस स्टडी सेकंड, द फिगर शोज अ थर्मामीटर दैट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, राइट? आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। बेटा थर्ड पेज पे केस स्टडी फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर गिवन है बेटा। देर आर टू टेम्परेचर हाईलाइटेड ऑन दिस थर्मामीटर विथ पॉइंट ए एंड बी, राइट? एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेम्परेचर डिनोटेड बाय बी ऑन द थर्मामीटर? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द टेम्परेचर डिनोटेड बाय बी? यस, हाँ जी, कौन बताएगा? सेक्शन ए से कोई बताइए बच्चा। 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चे, अगर आप पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं ना, 10 के बाद 1 2 3 4 5, 5 वाली जो डिजिट है थोड़ी सी ग्रेटर है, उसके नेक्स्ट डिजिट इज बी, तो दैट फॉर आंसर विल बी 16 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द टेम्परेचर एट ए बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए? व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए? कितने डिजिट्स हैं काउंट कीजिए बेटा, कितने डिविजन हैं? इज इट 7? इट इज -7 बिकॉज इट इज बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन, राइट द टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन -12। -14। फोर्थ, इफ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज -4 डिग्री सेल्सियस, देन इट राइजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस, तो हाउ मच इट बिकम्स? जीरो। एंड देन फॉल्स बाय 3 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच इट बिकम्स? -3। एंड अगेन इट राइजेस बाय 6 डिग्री सेल्सियस, प्लस सॉरी -3 प्लस 6, इट विल बी 3 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके बच्चों? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी अदर डाउट इन द असाइनमेंट? ओके स्टूडेंट्स, विल फिनिश आवर क्लास हेयर ओनली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक्स अ लॉट टीचर्स। How fast did you get started?